जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग के बीच में आज रिजवान सर हैं, इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। बेरोज़गारी का जो मुद्दा छात्रों ने उठाया है, जो सर लोगों ने उठाया, उन सब सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इनको इसलिए हमने अपने इस मंच पर बुलाया है, तो स्वागत करते हैं रिजवान सर आपका। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले कई दिनों से हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है बेरोज़गारी के खिलाफ। एक तरह से युवाओं का हल्ला बोल है, और युवाओं का हल्ला बोल यही है कि बेरोज़गार हूँ, अंधभक्त नहीं। और इसी के सिलसिले में पिछला मैंने वीडियो आप लोग के सामने समझ रखा था कि बेरोज़गारी के खिलाफ कैसे युवाओं ने हल्ला बोला है। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा, अभी इससे पहले हमने SSC के झुकाया अपने आंदोलन के थ्रू, जिसमें SSC ने 2018 के CGL के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमारा आंदोलन तब भी रुका नहीं और अभी भी आगे रहा, और इसी क्रम में हमने रेलवे बोर्ड को भी झुकाया, जिसमें हमने #RRBExamDates को ट्विटर पर ट्रेंड कराया था। और ट्रेंड कराने के दौरान ही, ज़्यादा नहीं, 6 घंटों के भीतर ही RRB का पीयूष गोयल, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि RRB का हमने जो है डेट घोषणा किया, जो कि 15 दिसंबर को इन्होंने घोषणा किया। परंतु दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा यह आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो हमें आंशिक सफलता ही हासिल हुआ है, क्योंकि अभी 1.5 सालों से हमें इंतजार था और आज हमने रेलवे को झुकाया तो उन्होंने केवल अभी यही बताया कि 15 दिसंबर से CBT1 का एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो उन्होंने कम्प्लीट बातें नहीं बताया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है इसके रिगार्डिंग वो जो है नोटिफिकेशन देंगे, जिसमें वो सारे शेड्यूल्स जारी करेंगे। तो हमारी भी मांग अभी भी यही है कि उसमें जो शेड्यूल्स वो जारी करें, उसमें एक कंप्लीट सारी बातें हों, जिसमें यह बात हो कि हमारा CBT1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट डेट, फिर CBT2 एग्ज़ाम का डेट, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, आफ्टर दैट ज्वाइनिंग, यानी कि यह कंप्लीट चीज़ हमें एक साल के अंदर का सारा शेड्यूल हमें चाहिए, जिसमें कि एक साल के अंदर ही सारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी हो जाए, हर एक चीज़ का टाइम टू टाइम चाहिए, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। क्या आपका मतलब अभी आप लोग का ये जो आंदोलन है ये किस ओर बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान भर से जितने भी बड़े एजुकेटर हैं, वो सारे के सारे इस आंदोलन में लगे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है सरकार ने एक छोटा मोटा घोषणा करके डिक्लेरेशन का ये छात्रों के साथ बेवकूफ़ बनाने का भी प्रोग्राम हो सकता है? क्या ऐसा आप लोग को लगता है, या वाकई में सरकार की मंशा है कि उसने डिक्लेयर कर दिया एग्ज़ाम तो वो भर्ती भी कराएगी और रिजल्ट भी देगी और आपकी ज्वाइनिंग भी मिलेगी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे लोको पायलट्स के बच्चे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में है, लेकिन अभी तक वो ऑफिस में ज्वाइन नहीं किए हैं लगभग पिछले 1 साल से। तो क्या आप लोगों को भरोसा है इन सब सारे चीज़ों पे? क्या है इस पे आपकी राय? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जैसा कि सरकार के पिछले जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, उसमें जिस तरह से हिला हवाली और ढील ढाल किया जा रहा है, उससे तो हम जो है विश्वास, देखा जाए तो सरकार ने और सरकार के जितना तंत्र है, जितनी भर्ती प्रक्रियाओं का जो तंत्र है, जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं चयन प्रक्रियाओं का, उस पे से एक तरह से विश्वास जो है छात्रों का एक तरह से हट गया है। इस वजह से कुल मिला के थोड़ा सा विश्वास करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद जताते हैं और बच्चों को यह उम्मीद देते हैं कि कम से कम अभी जो हमारा आंदोलन है वो शुरुआत ही पहल में देखा जाए तो उसने एक अच्छा सफलता हासिल किया है, कि पहले ही दिन जो है रेलवे को झुकना पड़ा और वो 15 दिसंबर से डेट घोषित करी। मैं बार बार इसी वजह से कह भी रहा हूं कि ये आंदोलन अभी भी रुकेगा नहीं, रुकना ही नहीं है। अब देखा जाए तो युवाओं का अब ये हो गया है काम कि अब जो है हमें तो पढ़ना ही, अब लड़ना भी है, अब साथ साथ हमें दोनों काम करना है, पढ़ना भी है और लड़ना भी है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी, और लड़ेंगे और बचेंगे तो सरकारी नौकरी भी करेंगे। यही है युवाओं का आंदोलन अब, और यही है आवाज। मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी भारत की जो GDP पिछले 3 तिमाही की आई है वो -24 के आसपास है लगभग, तो क्या ऐसी दशा में भारत सरकार के पास जो GDP होता है उससे ये आकलन आप निकाल सकते हो कि हमारी पैसे की कमी हो गई या अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट है? क्या सरकार इस अवस्था में कि वो इतने सारे युवाओं को नौकरी देने में सक्षम होगा, तो क्या उसका जो एग्ज़ाम और रिजल्ट डिक्लेरेशन का घोषणा है, क्या उससे हम लोग को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता है, या अपने आंदोलन को इसी
लगातार इसी धैर्य के साथ और इसी उत्साह के साथ बनाए रखने की जरूरत है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न कहा आपने। जैसा कि जीडीपी माइनस में इस समय 24% है लगभग, तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन है, अर्थव्यवस्था खराब है, तो हाँ ये है कि जो नए नए हमारे जो जैसे जितने भी विभिन्न मंत्रालय हैं उसके अंतर्गत जो है जितने भी सिस्टम जो है चयन बोर्ड के जितने भी सिस्टम हैं उसके अंतर्गत ये है कि वो अपने आगे के जो नए नए पद हैं उनको सृजन नहीं कर सकता है। ये है, मानते हैं कि अर्थव्यवस्था गड़बड़, तो नए पदों को सृजन नहीं कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जितने अभी पुराने पद हैं, पुरानी भर्तियां हैं, केवल पुरानी भर्तियों को ही अगर किया जाए तो बहुत हद तक बेरोजगारी दूर हो जाएगी, और बेरोजगारी जब दूर होगा तो जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर भी आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि इस समय जो है कम से कम जितनी भर्तियाँ अभी भी बैकलॉग में हैं और जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही हैं इनका जो है जोर और शोर से जो है भर्ती किया जाना चाहिए, जिससे कि एक तौर पे देखा जाए कि एक युवा वर्ग जो पढ़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर उसके हाथ में पैसा आएगा तो पैसे का सही से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और देखा जाए तो फिर अर्थव्यवस्था जो है एक पटरी पे आने की राह पे फिर आगे दिखती नजर आएगी आप लोग को। रिजवान सर के साथ एक संक्षिप्त हम लोग का साक्षात्कार हुआ और आपके विचार सर अच्छे लगे, आपके विचार युवाओं को जागृत करेगा और मेरी भी उम्मीद है, हम सब युवाओं की उम्मीद है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रोज़गार मुहैया कराने के जो साधन है उनको सुनिश्चित करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सारे युवाओं की आवाज़ थी, क्या जैसे आप बच्चों के साथ सरकारें कर रही हैं कि आप परीक्षा लेते हैं, एक साल बाद दो साल बाद उसकी रिज़ल्ट की डेट घोषणा करते हैं, छः महीने बाद रिज़ल्ट घोषणा करते हैं, उसके बाद उसका प्रोग्राम चलते हैं और ज्वाइनिंग देते देते आप तीन साल चार साल लटका देते हैं, उसमें भी अगर कोई ना कोई अड़ंगा डाल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा करके, तो कई कई साल तक एक छोटी सी भर्ती को कंप्लीट करने में कई कई साल खत्म हो जाते हैं। तो क्या ऐसे ही अगर नेताओं के जो चुनाव होते हैं उनको भी ऐसे ही कर दिया जाए तो कैसा उनको महसूस होगा? तो मेरी मतलब ये तहे दिल से विनम्र निवेदन है सारे राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी स्तर से अगर जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के नेता हो, राज्यसभा के हो, लोकसभा के नेता हो, मंत्री हो, देश के जो अभी नए बनने वाले ऐसे नेता, उन सबको ये सब बातों को सोचना चाहिए कि युवाओं के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कई कई साल वो अपने जीवन के सबसे कीमती वक्त को शिक्षा के लिए, तैयारी के लिए, किसी एक नौकरी की तैयारी के लिए लगाते हैं और उनके पूरे जो जीवन के स्वर्णिम काल है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। वो चार चार साल पांच पांच साल तैयारी करते हैं और उसके बाद अंत में उन्हें पता चलता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगा और इस अवसाद में डिप्रेशन में आकर के बहुत सारे छात्र सुसाइड कर लेते हैं। तो इस पे सरकार को गौर करनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी बच्चे को, आप अगर आपके पास 5000 लोगों की नौकरी है तो 5000 लोगों की नौकरी सही समय पर दीजिए, जिससे कि युवाओं का समय बचेगा और जो बाकी बचे युवा होंगे जिनको नौकरी नहीं मिलता वो किसी अन्य काम के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएंगे, जिससे देश की जीडीपी उत्थान हर चीज़ों में वो अपने आप को लगा पाएंगे। अन्यथा की अवस्था में क्या हो रहा है, युवा का समय, महत्वपूर्ण समय है, वो ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे राजनेताओं से कि इन सब चीज़ों को आप जोर शोर से मुद्दों में उठाइए और मेरे सारे युवा दोस्तों साथियों छात्रों से निवेदन है कि आप इस आंदोलन को यूं ही बनाए रखिएगा, झुकिएगा नहीं जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए और जब तक कि आप कार्यालय में ज्वाइनिंग ना हो। नहीं तो ऐसे बहुत सारे सरकारें आती हैं जो आपको दिलासा दिलाती रहती हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलता है, जैसे जैसे आपके आंदोलन कमज़ोर होंगे आप बात करना बंद कर देंगे, फिर वो समझ जाएंगे कि इनके अंदर से उत्साह कम, फिर वो आपको किसी न किसी मामले में उलझा के रख देंगे और फिर आपके ऐसे ही जैसे तीन साल दो साल बीत गए इंतजार करते करते, वैसे ही फिर आने वाले दो तीन साल और बीतते जाएंगे और इन दो तीन सालों में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र की तिथि खत्म हो जाएगी। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार और रिजवान सर का बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं कि हम लोग मिल करके एक प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस के साथ, बाय बाय।